वर्तमान में एक डॉलर बराबर 83.73 रुपए है, जो कि ये शो करता है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू यूएस डॉलर के आगे काफी कम है। लेकिन सवाल ये है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू दिन ब दिन गिर क्यों रही है और इसके गिरने से हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि भारत और यूएस की करेंसी में इतना डिफरेंस क्यों है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किसी देश की करेंसी की वैल्यू कितनी होगी ये कौन डिसाइड करता है, और जब भारत आज़ाद हुआ था तब से लेकर अब तक इंडियन करेंसी और यूएस डॉलर में कितना उतार चढ़ाव आया है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब एक डॉलर बराबर 3.33 इंडियन रुपीज़ की वैल्यू थी। 1985 की अगर बात करें तो उस समय एक डॉलर बराबर 12.38 रुपीज़ था। 1995 में एक डॉलर बराबर 32.42 रुपीज़, 2011 में एक डॉलर बराबर 55.39 रुपीज़, 2022 में एक डॉलर बराबर 79 रुपीज़ और 2024 आते आते एक डॉलर बराबर 83.73 रुपीज़ हो गया। इससे ये तो पता चल गया कि इंडियन रुपीज़ की वैल्यू दिन ब दिन गिरती गई है, लेकिन ये कैसे हुआ और ये किसने डिसाइड किया? वेल, इसका आंसर है नो वन। जी हाँ, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन डिसाइड नहीं करता। जब आप गूगल पर एक यूएस डॉलर बराबर INR सर्च करते हो तो आपको एक रेट दिखाई देता है जो ये बताता है कि एक यूएस डॉलर बराबर कितना INR। ये रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है, जिसे कि कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करता है। ये मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई पर निर्धारित होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, सरकारी करेंसी के रेट को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं बीते 10 सालों में बाकी देशों की करेंसी में कितना उतार चढ़ाव आया है। सबसे पहले बात करते हैं कुवैती दिनार की। 2014 में इसकी वैल्यू एक कुवैती दिनार बराबर 214 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 273.82 रुपए हो गई है। बता दें कि ये वर्ल्ड की सबसे महंगी करेंसी है। बात करें चाइना के युआन की तो 2014 में इसकी वैल्यू एक युआन बराबर 9.9 रुपए थी, जो कि 2024 आते आते 11.54 रुपए हो गई है। वहीं पाकिस्तान की 2024 में करेंसी की वैल्यू एक इंडियन रुपीस बराबर 1.7 पाकिस्तानी रुपए थी, जो कि 2024 आते आते 3.32 हो गई है। रूस की बात करें तो 2014 में इसकी वैल्यू एक इंडियन रुपया बराबर 1.6 रूबल थी, जो कि 2024 में एक इंडियन रुपया बराबर 1.03 रूबल हो गई है। वहीं यूके की करेंसी 2014 में एक पाउंड बराबर 100.4 रुपए थी, जो कि 2024 में एक पाउंड बराबर 107.48 रुपए हो गई। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यानी कि विदेशी मुद्रा बाजार, ये वो बाजार है जहां विभिन्न देशों की मुद्राओं का विनिमय, व्यापार या किसी अन्य देश की मुद्रा में रूपांतरण किया जाता है, और यही अलग अलग देशों की करेंसी निर्धारित करती है। एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर, विनिमय दर दो अलग मुद्राओं की सापेक्ष कीमत होती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक करेंसी का रेट दूसरे देश की करेंसी के रेट के कितने बराबर है। याद रखिए, किसी भी करेंसी रेट उनके डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी देश दूसरे देश की करेंसी से कंपेयर क्यों करता है? रीजन, किसी दूसरे देश को इंडिया से कुछ सामान इंपोर्ट करना है या खरीदना है, इसके लिए दूसरे देश को पहले अपनी करेंसी से इंडियन करेंसी खरीदनी होगी, जिसके बाद ही वो भारत से व्यापार कर पाएगा। यानी कि पैसों से पैसे खरीदना। ठीक वैसे ही अगर इंडिया को रूस से कुछ खरीदना है तो इंडिया पहले रूस की करेंसी खरीदेगी, फिर उस करेंसी से रूस से सामान लेगी। जानकारी के लिए बता दें कि अभी सभी देश अपनी विनिमय दर को अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में दिखाता है। अगर कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो एक अमेरिकी डॉलर के बदले में उस मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि ये अवमूल्यन क्या है। मुद्रा का अवमूल्यन करने का मतलब है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्र अपनी मुद्रा को कमजोर कर देता है, जिससे कि विदेशी मुद्रा बाजार में उसकी मुद्रा कमजोर हो जाएगी। अवमूल्यन से मुद्रा के घरेलू मूल्य यानी कि डोमेस्टिक वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। भारत ने 1947 के बाद से तीन प्रमुख मुद्रा अवमूल्यन किए हैं।
1947 में रुपया बनाम डॉलर की विनिमय दर $1 बराबर 3.33 इंडियन रुपीस थी। इसका मतलब है कि भारत 1947 में कुछ मजबूत देशों में से एक था, लेकिन वर्तमान रुपया बनाम डॉलर विनिमय दर $1 बराबर 83.73 रुपीस हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया? भारत या कोई भी अन्य देश अपने भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मेंटेन करने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। इसके अलावा भारत ने आयात को महंगा और निर्यात को सस्ता बनाने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। यह निर्यातकों को विदेशी बाजारों में अधिक माल निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो आयात के मुकाबले निर्यात के अनुपात को ठीक करता है। दूसरी ओर महंगा आयात अधिक राजस्व उत्पन्न करने में मदद करता है। अंततः आयात और निर्यात दोनों खराब भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने में मदद करते हैं। क्या होगा जब $1 बराबर 1 इंडियन रुपया होगा? यह संभव है, लेकिन इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे अगर $1 बराबर 1 इंडियन रुपया होगा तो कोई भी इंडिया में अपनी कंपनी क्यों खोलेगा? जाहिर है सेम रेट होने की वजह से लोग विदेशों में ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और सभी लोग भारत छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों में रहने के लिए उन्हें सेम कॉस्ट चुकाना होगा। इस तरह $1 बराबर 1 रुपया देश को बर्बाद कर देगा। लेकिन हम रुपए की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए सरकार को कई कदम उठाने होंगे जिससे कि रुपए की वैल्यू बढ़े। जिसके लिए सरकार को सबसे पहले इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। जैसे भारत बहुत सारा ऑयल इम्पोर्ट करता है बाहरी देशों से, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। इसके लिए भारत को अल्टरनेटिव फ्यूल्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। दूसरा, इंडिया को अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए और कई एक्सपर्टीज का निर्माण करना चाहिए, ताकि जब एक्सपोर्ट की बात आए तो भारत लेबर के साथ साथ अपनी चीज़ें भी एक्सपोर्ट कर सके, जिससे कि भारत में डॉलर्स आएंगे। तीसरा, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा, ताकि टूरिस्ट भारत में आए और ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स टूरिस्ट के थ्रू भारत में आए। भारत को ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जिससे दूसरे देशों के लोग भारत में इन्वेस्ट कर सके। इतना ही नहीं, भारत को खुद चीज़ों का प्रोडक्शन करना होगा, जिससे कि भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड ना होना पड़े, उल्टा दूसरे देश भारत से चीज़ें खरीदें। एक बात ध्यान रखिए कि सिर्फ पैसे की वैल्यू बढ़ जाने से या गिर जाने से देश का डेवलपमेंट प्रभावित नहीं होता। जापान की अगर बात करें तो जापान की करेंसी वैल्यू डॉलर के आगे काफ़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जापान डेवलप नहीं है। इंडिया चाहे तो आज ही US डॉलर को इंडियन रुपीस के इक्वल कर सकता है, लेकिन इससे देश के डेवलपमेंट पर कोई असर नहीं दिखेगा। इसलिए अगर देश को डेवलप करना है तो देश को अपने इम्पोर्ट्स को कम करना होगा और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, साथ ही दूसरे देशों से डिपेंडेंसी को कम करना होगा। वेल, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए विद फर्स्ट।